जी देख सकते हैं यहाँ पे न्यास धर्मशाला भी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक टेंपल दिखेगा आपको, जय अघोरनाथ भैरव का टेंपल यहाँ पर देख सकते हैं। देख सकते हैं काफी भीड़ है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे जूते खोलने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे पास में है, और प्रसाद भी मिल जाते हैं इधर। गाइस कुछ हद ज़्यादा ही भीड़ आप देख सकते हैं, पीछे लंबी लाइनें लगी हुई है। कुछ देर बाद चलते हैं फिर आपको आकर दर्शन कराते हैं। इस दर्शन के लिए पेशेंस जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस दिखाते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं फिर चलेंगे। टेम्पल है लगभग 6 से 11 मीटर की ऊंचाई पे अलकनंदा नदी से, और ये भी माना जाता है गाइस ये धारी देवी 4 धामों की रक्षक है। और बेसिकली जो काली माँ का ऊपर पार्ट है वो इस मंदिर में है, और जो लोअर पार्ट है वो गाइस आपको काली माँ टेम्पल में मान्यता के अनुसार वही है। जो मेन चीज़ ये है कि धारी माँ को 4 धामों का रक्षक माना जाता है, और जो फ्लड आया था 2013 में इसी कारण आया था कि इस मंदिर को यहाँ से हटाया गया था, और उसी कुछ घंटों बाद ही फ्लड आया जिसमें लगभग हज़ारों लोग मारे गए थे। बेसिकली गाइस इन नेचुरल प्लेसेस को विजिट करने का यही फ़ायदा है कि यहाँ पे मन को काफ़ी ज़्यादा ठंडक मिलती है, और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो पॉजिटिव मन के साथ आते हैं, पॉजिटिव वाइब के साथ आते हैं, और क्लैरिटी के साथ आते हैं, इसलिए ऐसी जगहों पर थोड़ा अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा यहाँ पे शूट कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेचुरल वाइब तो मिला ही होगा आपको यहाँ पे, और काफ़ी शानदार जगह है ये भी, और काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है इस टेम्पल का, आप तो जानते ही होंगे अभी मैंने बताया। और ये लगभग 6 से 11 मीटर की ऊँचाई पर है टेम्पल, आप देख सकते हैं। आज काफ़ी भीड़ थी, थोड़ा सा कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा समय लगा यहाँ पर। इस पुल से देख सकते हैं धारी माँ का व्यू यहाँ पे काफ़ी लाजवाब सा। और कैसा लगा यहाँ का व्यू हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यही है गाइस उत्तराखंड द लैंड ऑफ गॉड। एग्जाम का समय था, थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए गाइस टेम्पल विजिट कर लिया ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, इतना भीड़ है कंटेंट का शूट करना भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा भीड़ में बस कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कर लेते हैं ये सब। गाइस आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं किनारे का, वहाँ बैंक पे जाके। स्वागत करता हूँ, कैसी लगी वीडियो करके काफ़ी अच्छा लगेगा वीडियो। टाइम स्पेंड किए हुए हैं लगभग 3 घंटे हो गए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना सुकून। और एक हॉस्टल वाली यार, हॉस्टल में फ्रस्ट्रेशन लेवल और वरीनेस इंक्रीज हो जाता है, ना पढ़ाई अच्छे से हो पाता है ना कुछ और चीज़ें। लेकिन उम्मीद है कि जो इंसान वो हॉस्टल में आएगा और कहीं थोड़ी बन पाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बिलीव डैट आई कैन check the algorithm of YouTube one day, because I believe that passion, hard work, determination, discipline can make me a better person to do this. Finally, चलते हैं।